यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मा। हे राजाओं के राजा सांवरिया सरकार, आपके हर 11 महीने में मैं हाजिरी लगाने आपके दरबार में आऊं। मेरे मेरे परिवार पर आपकी कृपा बने रही। कोई भूल चूक गलती से हो जाए जाने अनजाने में तो आप मुझे क्षमा करें। लख दातार की जय हो, लख दातार की जय। हे श्याम धनी दातार, तू मारा देश ने गरीबी भ्रष्टाचार आतंकवाद सुदूर राख। तारी कृपा राख मारा देश ऊपर, मारा धनी दातार। तारी जय हो श्याम धनी दातार, तारी जय हो। भगत वत्सल बाबू पूरा करे काम, बाबू पूरा करे काम। हे जी भगता की लाज रखे खाटू वालो शाम, भगता की लाज रखे खाटू वालो शाम। मने सब सुनारो लागे मारो खाटू धाम, हे जी मारो खाटू धाम। हे जी दुनिया में सब सु प्यारो श्याम जी को नाम, सबसे प्यारो श्याम जी को नाम। जय जय श्याम धनी दातार, हमारा श्याम धनी दाता। जय जय श्याम धनी दातार, हमारा श्याम धनी दाता। रखे खाटू वालो श्याम, जय जय श्याम धनी दातार, हमारा श्याम धनी दाता। थारी आदत पड़ चुकी है। काल सवेरे सवेरे 10 ट्रक अनाज को आने वालो है, है? वो गोदाम में रखवाणो है अनाज ने, और गोदाम में जगह है नहीं। जे गोदाम में अनाज रखवाणो है, कुछ इंतजाम करियो की नहीं। भौजी दूसरे गोदाम की बात करने वास्ते श्यामलाल जी पन्नालाल जी कने गया तो? हाँ, अरे व्यवस्था हुई के? श्यामदास जी कह रहा था पन्ना बाबू के गोदाम में व्यवस्था हो जाए। श्यामदास क्या कटे है? श्यामदास कटे हो? श्यामदास जी कटे? श्यामदास कह रही हो कि व्यवस्था हो जासी, तो व्यवस्था हुई के? अरे चापलूसो जाओ पतो करो कि श्यामदास पन्ना बाबू सु कौन सा गोदाम की बात करी है। और जब तक सारो अनाज गोदाम में नहीं रखवा दो, मने थारो थोबड़ो मत दिखा दो। जाओ जल्दी जाओ। तू अठे बैठी है? श्यामदास कटे है? भाड़ में गयो। मन्ने के पूछ रहा हूँ, गया है भजन मंडली में नाचबा गावा, और सागे महारानी ने भी लेकर गयो है। के कहो? बीनी ने सागे लेके गयो है?
बीको दिमाग तो खराब कोनी हो गयो? पीणी ने पूरा दिन चढ़ियोड़ा है, ईसा टेम में घर से बाहर ने निकलो कितो जोखिम को काम है, तुबाने रोकियो क्यों कोनी? रोको क्यों कोनी? मेरे सुने कौन है? दोनों श्याम बाबे की भक्ति में बाड़ा हो रहा है, मैं मना करियो तो थार लो भाई बोलियो। भाभी आज के अरस की रात को जागरण है, मैं और राधा मनोती मान रखी है। मैं और ज्यादा रोकती, दिन से पहले आई बे दोनों धनी लुगाई, ये जा बे जा, ये जा बे जा, चला गया दोनों। ओ श्यामो भी आजकल आपरा मना की बहुत करने लागियो है, हैं? आज मौसम की तो खराब है, ईसा टेम में ईसा मौसम के अंदर बाहर ने निकलो कितनो जोखिम को काम है। तो इनमें मैं के कर लियो, थारो भाई है ना, थारी माने ना मारी। तो अब के करा? के करा भूख तो मक्खन मायने सो रियो है, मैं ब्याह में जा रही हूँ, बीको ध्यान रख जो। आज श्याम दास की श्याम भक्ति एक दिन इन्हें ले डूबेगी। ग्यारस की रात है आई, हर जोत जगे है सवाई, जम 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 के चांदनी रे बाबा, जम 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 के, जम 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 के चांदनी रे बाबा, रात है तारा छाई, हरी जोत जगे है सवाई, हरी सूरत मन रे भाई, हरी जोत जगे है सवाई, ग्यारस की रात है आई, हर जोत जगे है सवाई। पन्ना माणक मोती थारे मुकुट में चमके, हीरा पन्ना माणक मोती थारे मुकुट में चमके, फूला को श्रृंगार सजो है इतर घणो ही महके, फूला को श्रृंगार सजो है इतर घणो ही महके, झिलमिल झिलमिल कुंडल की छवि की छवि, झिलमिल झिलमिल कुंडल की छवि, भक्ता के मन भाई, हरी जोत जगे है सवाई, हरी सूरत मन रे भाई, हरी जोत जगे है सवाई, ग्यारस की रात है आई, हरी जोत जगे है सवाई। तिलक सोवणो लागे मस्तक पर थर चमके, केसर तिलक सोवणो लागे मस्तक पर थर चमके, ओ केसरिया बागे में तारे सुवर्ण तार झलके, केसरिया बागे में तारे सुवर्ण तार झलके, सीन लोक थप बारी जावे श्याम
कनाई हरी सूत जगे सवाई हरी सूरत मनने भाई हरी सूत जगे सवाई यारत की रात है आई हरी सूत जगे सवाई भोग कथाड़ सजा है आरो हो सावरिया छप्पन भोग कथाड़ सजा है आरो हो सावरिया भगत करे मन बार थारी मारा ओ नटवर ना करिया भगत करे मन बार थारी मारा ओ नटवर ना करिया से जी माथर नजर न लागे हरी जोत जगे सवाई हरी सूरत मनड़न भाई हरी जोत जगे सवाई हरी सूरत मनड़न भाई हरी जोत जगे सवाई हरी सूरत मनड़न भाई हरी जोत जगे सवाई गाड़ी रोको क्यों क्या हो रहा था तेरी तबीयत तो ठीक है ना तबीयत तो ठीक कौन है क्यों खाई हो दादा बस बस दो चार कोस गाड़ी रोको जी क्यों मैं थाने कह रही हूँ गाड़ी रोको आई हो मैंने लागे टावर होने वाला है टावर होने वाला है एक मिनट दादा एक मिनट दादा बस दादा एक मिनट कोई है क्या अरे सुन रहे हो क्या राधा एक मिनट राधा अरे कोई सुन रहे अरे कोई है के अरे सुनो राधा हे राधा हे राधा हे श्याम धनी हे श्याम धनी दातार हे हरे का सहारा तू तेरा पर्चा दिखा बाबा तेरा पर्चा दिखा मारी लुगाई की तकलीफ दूर कर बाबा मारी लुगाई की तकलीफ दूर कर बाबा जय जय श्याम धनी दाता तुम्हारा श्याम धनी दाता जय जय श्याम धनी दाता बोलियो अरे ओ मोटियार ओ बाईडा रुक जे बाईडा बाईडा थारी मदद चाहिए मने क्यों यो मोटियारा मारी लुगाई की तबीयत खराब है बीक टावर वाड़ो है अरे कमी परेशान होया मोटियारा तो लुगायो चलो जरा देखो थारी बहुत कर पाई चलो चलो रे मुटियार तू कट चल लो लुगाओ काम है लुगानी करन दे लेकिन मेरी लुगाई तो एकदम क्या मैं परेशान हुआ मुटियारा हैं लिचमी आया तेरे लिचमी जा देखा रहा लिचमी आया जा देखकर आजा श्याम धनी दातार की लीला है अपरंपार बखत पड़िया आडो आवे मारो दीन बंधु करता वो बाइडो कट गयो वो बाइडो कट गयो लागे आज तो बाबू ही परचो दियो साक्षात परचो दियो है या सब मेरा श्याम धनी की कृपा है जय श्री श्याम चला करा मैं अरे ले 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 चला चल भाईजी भाईजी ए जी सुनो आगो थार लो काम चोर भाई भाई जी हटे हो तू
भाईजी 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 आज तो चमत्कारों को बाबो साक्षात आयो है? और भाईजी बटे डिलीवरी होगी और लड़की हुई है भाईजी बीननी कटे है बीननी गाड़ी में भाईजी तू कद सुन रहे को सारा दिन आपकी मनमानी करे है भाभी दादा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है थे भी ना संभाल लो भाभी आज तानी और के करती आई हूँ संभालती तो आई हूँ ना करो थे भरू मैं मौज मस्ती करो थे थारी खेचा खाऊं मैं ठीक है भाभी मैं भाईजी कन जाऊं जा देसे तने थार लो भाई सोना को मेडल बहुत बड़ी जंग जीत कर आया है ना अब आने लो जापो जड़ने के खातर घर कम पड़ो हो ई खातर महारानी रोड पर ही जच्चा बन बैठी अब तू के मेरे मुंडो देखे है जाओ पद्मनी ने घर आ ले रहा नहीं तो सारो गांव हंसेगा लोगो अरे तू कद सुधरेगो हैं कद सुधरेगो तू तेरी नादानिया की वजह से मने तेरा पे शर्म आवे हैं किया किया ही कोनी भाई जी किया कोनी किया कोनी किया कोनी करियो है अगर कोई अनर्थ हो जातो तो सारा गांव वाला थाने तो क्यों कहता कोनी मने सारा गांव वाला फाड़ खाता जी को रखवाड़ो बाबू श्याम हुए बिको कोई क्यों नहीं बिगाड़ सके वो हारे को सहारो है वो सबकी लाज बचाओ भाई जी तू ज्यादा मारो माथो मत चाट जाट है तू बहुत देर होगी तने भाई जी तेरा घुटना में दर्द है ना मेरा घुटना में दर्द रहवा दे तू जाट है तू जा मैं तेरा बाम लगा दूं मने बाम आम की कोई जरूरत नहीं तू मने करो छोड़ दे जाट है तू आईडेक्स लगा दूं कोई जरूरत नहीं तू जाट है तू हम धनी आज तो बचा ले ना लायक ओ कह रही है मैं तेरे बाम लगा दूं जानी भी तो टिंगरी जानी अरे मेरे ओ मक्खन होयो हो जाना पूरे गांव में लड्डू बटवाया हां और तो और मेरे पीर से इसी जोरदार छुच्छक आई ही जिके की आश्तानी लुगाया बड़ाई करे हाँ अरे भौजाई थारला खानदान तो घणे जोर को है बाकी तो बाता ही चाला है आज थारला बापूजी बंसीलाल जी ने कुन को नहीं जाने बड़ाई धर्मात्मा मिनक है थारला बापूजी अबारी के बोले तो स्कूल के वार्षिक उत्सव में पांच शेर का बुंदिया बटवाया हाँ हाँ भाई हाँ खैर खान पीन को तो बाने हमेशा से ही सोख रहे हैं मारली दरिया पर अब ई देवरानी ने किसा गुण सूट का खुआओ सारो मठे ही मार दियो सुने सुन की गुड़ को सिरो रान कर घाल दे ही जच्चा रानी ने भाभी जी अगर थे कहो तो मैं गुड़ में सूट डाल के दे दू के चुप कर बहुत चप्पर चप्पर करने लगी है चल हट मायने जा जोला चल गद्दी को टाइम कर भाभी थे मेरी मायत की जगह हो थारो गालेडो सिरो भी गुण गिरी से कम नहीं हुए क्यों देवर जी सिरे की सुनकर जी दोरो होगो के सिरो खाता जाड़ को नहीं किसे थारली बिनने की और कान खोल कर सुन लेओ मेरे घर की पंचायत से दूर रह वो तो ही ठीक है चल मक्खन जय श्री श्याम सुन ये अपन एटे रामदास के एटे काम करता नहीं कितना वर्ष होगा चार पांच वर्ष तो होगा ना पर आपने हाथ में क्या आयो कोई खास कोने आयो गुरु कदी काऊ चोरी चकारी करके हजार दो हजार रुपया कबाड़ भी लेवा तो बिसे के होवे दारू चिलम को खर्चो कोनी निकले गुरु धीरे बोल तेरी आवाज तो फटेड़ा भास की तरह है अगर कोई के कान में पड़ गई तो मारे जाऊंगा अरे ये क्या मारे जाएगा गुरु अपनी जान इतनी सस्ती थोड़ी है आप पातो लोगा का घर फूक के चिलम चाशा करा हा तो यही समझ ले घर फूकने को टाइम आ गयो है अरे पर घर किसको फूकनो है गुरु आपने सेठ रामदास को हाँ हाँ सेठ रामदास को हाँ वो किया सुन घर फूकने का अरे तेरी तो मुंडे में गाली को क्या घर फूकने को मतलब है घर तोड़ना सुन ये रामदास ने आपके भाई के ऊपर कोई खास विश्वास को नहीं और बिकी लुगाई भी आपके देवर ने कोई खास चावे को नहीं तो आ जोड़ा तो मेरी बात ध्यान से सुन सुनो आजा मुंडे में आजा तू सुना गुरु अगर आपा ई घर की सुख शांति ने बर्बाद करने में कामयाब होगा ना तो ई घर को सौ की आप होने में देर को नहीं लगेगी फिर तो जोड़ा तेरे जोड़ों में नोटा से भर दूंगा जय हो गुरु जय हो लाडला बरसरा पैसा रुपया देना आया हूँ पूरा 2 लाख रुपया है आ लो गिन लो ठीक है ले आओ जी जय श्री श्याम
थोड़ा राम जी ये तो गिनो और आको रतनलाल जी को हिसाब दियो। रतनलाल जी को हिसाब यो यो रियो रतनलाल जी को। भाई जी बड़ी तारीफ करी थारी। कटे गया बाबू जी। बाबू जी आबाड़ा ही है। अच्छा अच्छा। ये थाका 2,00,000 रुपया साहब जमा जमा कर दिया। अच्छी रतनलाल जी एक हमारे थोड़ी देरी हुए थारो मारो पुराना हिसाब किताब तो आंसू थोड़ी चाले मारा बापू जी का जमाने से चाले। और बताओ बड़ा चिंतित सा लाग रहे हो के बात है। जामदास जी अगले महीने में बेटी जो ब्याह मान दियो है और पैसों और तंगी पर चल रही है। बेटी को ब्याह मान दियो ना इनमें चिंता की बात। बाबा का नाम पर करो ना तो बाबा आप अपने आप ही देखोगे और वो कैबो करे ना बाबा को दास कदे नहीं वह उदास तो चिंता क्यों करो है। पूरा 2,00,000 2,00,000 है के एक काम करो रतनलाल जी। हाँ जी। पैसा तो आता जाता रहे एक महीना पाचे दे दीजियो एथे 2,00,000 रुपया लियो। लेकिन बाबू जी मेरी बात सुनो बाबू जी तो मैं समझा दीशू माल्टा बड़ा भाई ने समझा दीशू थे तो लियो और बेटी को ब्याह करो। बेटी को ब्याह जरूरी है पैसा को कहीं काल दे दीजियो लियाओ जी मैंने बैठा तो दियो और आकर जमा करा पैसा है ना माने काटो जी चिंता ही मना करो थे। ठीक है बाबू जी ठीक है धन्यवाद चिंता मना करो थे। जय श्री श्याम सिंह जी। बढ़िया हो ना बाबा का भगत है बाबा की तकलीफ आपा नहीं सुनागा तो कौन सुनाऊंगा और बाबा तो करेगा ही ये तो दाता रे ना जी बाबू दाता रे श्याम धनी दाता। तोला राम। हां बाबू जी। दुकान में सब ठीक चल रही है। हां बाबू जी। कोई दान दूं आयो के ए रतन का रुपया लिखकर कूड़ काटिया। तोला राम तू काटियो। तोला राम तू काटियो। बाबू जी ये तो श्यामदास जी काटे। श्याम ए अब भाई जी वो कहीं हो रतनलाल जी है ना बड़ा परेशान से दिख रहा है बेचारा बड़ी मजबूरी में लाग रहा है और बे बाबा की कृपा से आपकी बेटी को ब्याह अगला महीना मान दियो। मैं बाने कहो कि थे 2 महीना पाचे पैसा दे दीजियो। अब बाकी बेटी को ब्याह है भाई जी ये वास्ते मैं माने अगला महीना की कह दी। आदातारी तू तेरे कने रख मेरे कने आदातारी को नहीं चलेगी है। आज तो रतनलाल आयो बिना तू रुपया लौटा दियो रतनलाल के तेरा ससुर लागे के है बोल है। कल हीरालाल आवेगो हीरालाल ने दे देगो सारा गांव ने लौटा दे रुपया है। मैं की तरह रुपया कमा रही हूं तू लुटा जा रही हो सब को नहीं आवे तने है। मैं व्यापारी हूं व्यापारी और व्यापार में ये सब को नहीं चले समझियो। पर क्यों को नहीं समझियो तू आज के बाद भई रोकड़ा को हाथ को नहीं लगावेगो बिल्कुल हाथ नहीं लगावेगो। तोला राम जी हो जी आज सु भई रोकड़ो को काम है करो। हां और सुन आज सुई गोदाम चलो जाइए तू अभी निकल जाते तू और जाके गोदाम का काम संभाल। खाले मारा मक्खन मारा लाल तू खावे क्यों कोनी सुन के ना ये बर्तन दो और बैठे रख दे ठीक है। अरे मैं पानी भर दियो हूं और सब्जी काट लीजो और मैं ऑटो पे लीजिए चोखो। के बढ़ रहा है बास आ रही है भाभी से बैठे आ रहा हूँ मैं देख लेती हूँ। बाली ना रोटी कर भी हो ना अनाज को सत्यानाश कितने ने तो टिकट जाए और काम के नाम पर मस्कोड़ो मार कर बैठ जावे। हे मेरा राम जी कदा से पिंडो छुट सी अब मैं के करूँ मेरे राम जी मैं के करूँ। अरे क्यों रोड़ा कर रही है बोझाई तू तो हस्ती खेलती चौकी लागे। अरे खानदान घर की बेटी है तू खा पी कर मस्त रहा कर आले कहे में जली भी है गर्मा गर्म अबार अबार उतरती उतरती लेकर आये चौखड़िया घी की तने बहुत शौक है ना जले ब्याह को। क्यों रे तोलिया तेरो ताऊ मर गो कि तेरो ब्याह मर गो। अरे ताऊ ने मरिया तो 10 साल होगा रही बात ब्याह की बात तो तेरे मांडे ही मंडसी क्योंकि काजल तो तू ही गालेगी ना। तो आज इन जलेबियां पर किया खार काट रखी है वह तो मैं मेरे खातर थोड़ी लायो वह तो तेरे खातर लायो जी भर के खा और खुआ। क्यों कोई खास खुशखबरी है के आज भाई जी ईतोला राम की तरक्की कर दी मैंने भाई चोपड़ा को काम सौंप दियो। पण यो काम तो मालो देवर यो करो हो ना आज भाई जी मेरे ऊपर मेहरबान होगा
और वे श्यामदास जी ने गोडाउन आरोप काम सौंप दियो। क्यों, कोई गड़बड़ कर दी के? नहीं भौजाई, बीसी कोई बात तो नहीं। वो तो कही है कि एक व्यापारी का लियोड़ा रुपया बिकी बेटी के ब्याह खातर भी ने पाछा कर दिया। आई तो बात भाई जी ने जच्ची को नहीं के तो वो आड़ो श्याम जी दातार है के मार लो देवर दातारी को ठेक को ले रखियो है। हे राम, ए श्याम धनी, क्यों के बात होगी? आज बड़ा सुस्त सा लग रहा हो, थकान से होगी के? आपड़ा कन थकान को के काम? तो फिर आज आता ही बेटी कानी क्यों को नहीं देखिया? थे तो आते ही सहसे पहले बेटी के सिर पर हाथ फेरिया करो हो। अरे आ मेरा सो क्या भूलोगी आज? मैं जानू। के जाने? आज तोड़ा राम आयो हो। अच्छा, तो तोड़ा राम भाभी ने सगली बात कह दी होसी और तू सारी बात सुन ली होसी? हाँ मैं सुन ली। तो के कहना चाहे? यो ही के भलाई को काम करने आने कदे कदे अपमान को कड़वो घूट भी पीना पड़े। मेरे क्यों फर्क कौन पड़े? मेरो धर्म है कर्म करनो, चाहे वह दुकान हुए या गोडाउन। और फिर मेरो शामदनी भी तो क्यों सोच रहा की होसी? मैं सुखे चाहनी है। चलो जिम लियो। इया कर, थारी हठी लिया, आज आपा दोनी सागा जी मांगा। अब आरी ले आई। अले ले 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 बाबा बाबा मेरा बिट्टूड़ा। श्याम नाम को लेके आसरो कर्म करे भगत सुजान, कर्म ही साचो धर्म है भाई, गीता को है कथन महान, गीता को है कथन महान। अरे ब्रेक लगा। अरे गुरु, इनमें कटे ब्रेक रहे? अरे धीरे बोल, कोई सुन ले गो। अरे पहली तो मैं के है कि मोटी मोटी गाड़ियों में बैठतो, ये तो थेरस आगे रह के और सेठ रामदास के अठे काम करके मेरी किस्मत खराब होगी जो मैं गधा गाड़ी ऊपर आएगो। गधे गाड़ी में बैठ के गुरु तारो दिमाग भी गधो से हो गयो मने लागे। तेरो नहीं रे, तेरो तेरो गधा जी से हो गयो। सुन बे फेणी काट। ले गुरु खेनी तो हाजर है, तेरो दिमाग चला और खा खेनी। अरे अरे जोड़ा बोल गुरु, आजकल अपना हाथ में कोई तंगी सी हो रखी है। यो याल तो मेरो है गुरु, पर मेरे देने हाथ में खाज आ रही गुरु। तो मीट गेर तेरी खाज ने क्या? आज रात ने ही 50 बोरी कर दिया पार गोडाउन से। वो सेठ बिकमपुर वाले तैयार बैठे है दाम देव ने, या ले गोडाउन की डुप्लीकेट चाबी। गुरु जना तो आज रात ने खुल जा शिम शिम कर दियो। चाहे छुप कर काम करो काड़ा, एक दिन तो छोड़े राजा सी, जद घड़ो पाप को फूटे गो तो करनी का फल पा जासी, दुष्ट आदमी करे नीचता चोरी कर पाप कमावे, आका कैया पूरा पड़सी, जद बाढ़ खेत में खावे, सीधो भोड़ो भगत शाम को, के जाने दुनिया दारी, शाम लगन में मगन रवे यो, एक सुन सी शाम बिहारी, बढ़ तो जा तू हर दम आगे, सांवरियों तेरे साथ है,
सिर के ऊपर हाथ है, सिर के ऊपर हाथ है। अरे शामदास। हाँ भाई जी। गोदाम को माल चेक करियो ना। बराबर चेक करियो भाई जी। बाकी सब ठीक ठाक चल रहे हो ना? सब बाबा की कृपा से ठीक ठाक चल रहे हो। कोई परेशानी तो कोई ना? कोई परेशानी को ना भाई जी। ओ शामदास जी। हाँ। जागरण में चला। हाँ आयो आयो। अरे मैं जा रही हूँ भाई जी। अरे मारी बात पूरी सुनी भी कोनी और चले गया ठेसु। मिनक पड़ो नहीं होवे, जनायो बापड़ो के कर लेवे। थे तो थारी जगह का सो क्यों करो हो? पण आने थारी जरा भी परवाह है के कितो ही कर लेओ, क्यों भी एहसान कोनी। अरे तोला राम। हाँ बाबूजी। अत्यारे क्या आनो यो? बाबूजी वे काल सुबह जयपुर वाला पन्ना लाल जी आ रहा है, बिको हिसाब दिखाने लायो। अरे वो बाद में देख ले। अच्छा बाबूजी। अरे तोला राम छोड़। हाँ बाबूजी। हाँ गोदाम को कामकाज तो ठीक चल रहा है ना? तू बठी ने गयो के? गयो तो बाऊजी, पर बिना चेक करे के बेरो पड़े। पर हाँ एक बात अबार उड़ती उड़ती सुनकर आ रहे हूँ, हो सके बात झूठी भी हो सके बाऊजी। ये बात सुनकर के आ रही है? अरे बाऊजी बात यही है, मैं यूँ बात कर रहा है कि आपने गोडाउन में रोज रात में एक ट्रक आवे और बहुत सारा आदमी गोडाउन में मायने घुसे और ट्रक में बोरिया लाद कर जय ट्रक आया वे पाछो चले जाओ बाऊजी। मने लागे है कुछ गोदाम में गड़बड़ जरूर है। हाँ। इनमें ज्यादा सोचने की के बात है? साफ बात है गोदाम में चोरी होवे है, और मैं बताऊँ चोरी करावे थारलो भाई शामदास। के बकरी है तू? बकू नहीं, साची कह रही हूँ। आए दिन थारलो भाई रात रात भर जागरण को नाम लेकर घर के बाहर नहीं चले हो जावे है। जागरण को तो एक बहानो है, वो करावे थारी गोदाम में चोरी। भाई जी अगर बुझाई को सख्त सही हुए तो क्यों ना आपा आज रात में बेने रंगे हाथ पकड़ लिया जावे। हाँ रे तोलाराम, आज आपाने गोदाम को निरीक्षण करना है। अभी जा चार पांच मजबूत आदमियों ने लेके दो घंटे में आ जा, मालूम तो पड़े के झूठ के है और साच के मर्गो के। अरे कौन है बे? अरे गुरु बोली नहीं कर दी। अरे देर ने मार गोली, एक काम कर अपना चार पांच मजबूत आदमी लेकर के आ, सेठ रामदास ने गोडाउन दिखाना। इतनी जल्दी? मैं के कर सकू हूँ, सेठ का जाने का दिन अबार ही आ गया है। मैं समझो को नहीं गुरु। अरे आपा पहली सोचो कि सेठ ने आराम से टेम आने पर सलटाऊंगा, पर बीरो तो काम तो आज ही तमाम करना पड़सी। मतलब गुरु? अरे जोड़ा अगर सेठ आज सल्ट गो ना तो बी की जान को इल्जाम आओगो शामदास पर, फिर आपा और आपाड़ी सेठानी सेठानी तो कद ही हरिद्वार पहुंचा दो आपा, समझ गो ना? समझ गयो गुरु, समझ गयो। फिर तो अपनी चांदी चांदी है। मान गयो गुरु, मान गयो। कान अठी नेला। अरे मुंडा से सुनेगा कि कान से सुनेगा? थारी महिमा जग में न्यारी, थारी महिमा जग में न्यारी। तार होते मारा श्याम धनी, थारी महिमा गावा मारा श्याम धनी। कुल उजियारा थे लीले का असवार श्याम मारा भगता का हो प्यारा
श्याम धनी शामदास
मारा भाई, मारा बेटा। दमकल क्यों कट साको? बाबू कृपा कर लो भाई जी, देख लियो। ये देखो भाई जी। जय जय श्याम धनी दाता हमारा, श्याम धनी दाता। जय जय श्याम धनी दाता हमारा, श्याम धनी दाता। आज बाबा को चमत्कार देख लियो। जय बाबा श्याम। अरे क्या मुड़िया रहा, मैं तो कटे और जा रहा आग बुझाने। अट्टे लागेड़ी देखी तो अट्टे भी बुझा दी। यह सब मेरा श्याम प्रभु की कृपा है कि मेरा भाई जी बच गया, मेरा भाई जी बच गया। भगत सच्ची मन से पुकारा है, बाबू हाजिर है। आज मेरी जान बचा के मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करियो है ना जी। ना एहसान मारो नहीं, इन आदमी को करो। यो आदमी अगर आपने जान जोखिम में डाल था ना बचा तो थारो बचनो बड़ो मुश्किल हो। कौन है वो भाई? यो मेरे छोटो भाई श्याम है, मेरो बेटो है। आज यो मेरी जान बचाई, यो मैं इस पर झूठो वहम कियो, झूठो वहम कियो भी कोई नतीजो है सारो। वाह भाई वाह, भाइयों में इसो प्यार तो पहली बारी देखियो। नहीं तो इकल जुग में भाई भाई ने गोली मार लाग रहे है के? जवान तारो बहुत बहुत धन्यवाद, जवान बहुत बहुत धन्यवाद। कटे और भी आग लाग रही है तो मैं चालू भाई जी। हाँ मैं चालू। जय जय श्याम धनी दाता हमारा, श्याम धनी दाता। चला भाई जी। श्याम धनी दाता हमारा, श्याम धनी दाता। ए मेरा भैरू जी, यो के होयो, के होयो? मैं जाने ही यो थारलो भाई थारी जान को दुश्मन हो रियो है। चुप हो जा। आज मौको देखकर यो थारे पर वार कर ही दियो ना। अरे चुप हो जा नालायक, चुप हो जा। जो मुँह में आ रही है बके जा रही है। मेरे भाई निर्दोष है, अगर आज ये नहीं हो तो तेरे हाथ को चूड़ो फूट जातो। मेरा प्राणा की रक्षा आज मेरे भाई ने करी है, मेरे बेटा ने करी है। नहीं भाई जी, थारा प्राणा की रक्षा और अपना सगड़ा की लाज मेरो श्याम धनी दाता रखी। अगर थाने प्रार्थना और अरदासी करनी है तो मेरा बाबा श्याम की करो, मेरा बाबा श्याम की करो। वो हारे को सारो है, वो सबकी लाज बचाओ भाई जी। श्याम बाबा तने कोटि कोटि प्रणाम, सांवरिया तने कोटि कोटि प्रणाम। मेरी भूल चूक ने माफ कर, मने क्षमा कर दे। बहुत तो इरमाटीदार। बढ़िया दमकंडी कर से आगे। दमकंडी रही गांव में के काम? अरे गुरु तू ठीक से सुनियो, कोनी लागे वो दमकल वालो नहीं बोली हो कि काई? मैं तो पास के गांव से आग बुझा कर पाछा शहर जा रहा हा, फिटे भी आग देखी सो अठे की आग बुझा दी। पण एक बात तू नोट करी थे? वो दमकल वालो साहब अपने गुरगुर के देख रहे हो। गुरु अपने किन्ने, वो तो तने ही गुरियो जा रहे हो। अरे ठीक है रहन दे, वो तो सेठ के नसीब में बचना लिखे हो जो बच गो, पण मारे सुख कब तक बचेगो? थारे चरण कमल की शरण छोड़ मैं और ठोर नहीं जावा, ज्योत अखंड जगावा थारी, थारा ही गुण गावा। मत घबरा दुनियादारी से तू, या तो होती आई, खाट को नाथ है साथ तेरे, वोई मात पिता और भाई। मेहर होवे श्याम धनी की, मनड़े का फुलड़ा खिल जावे, लख दातार करे
पातो कुल ने दीपक मिल जावे कोई कितरो भी जतन करे फाटेड़े दूध के जावण ना लागे दुष्ट न छोड़े दुष्टता आके ईर्ष्या द्वेष रे वेसागे आको सोयो भाग न जागे रे आने तिल तिल जलन जलावे रे वो चेक हाँ चेक पास हो अब तो कोई दिक्कत को नहीं कोई दिक्कत को नहीं चलो सब काम बढ़िया चल रहा है हाँ सब ठीक है अरे झोला राम हाँ बाबूजी देख ना जाके तोला राम अभी तक चाय लेके को नहीं आया जा देख मैं देख क्यों बाबूजी झोला राम और तोला राम बहुत अच्छा मुनीम है कई साला सो आपने अठे काम कर लिया है जय श्री श्याम जय श्री श्याम यो मेरे छोटो भाई श्यामदास जय श्री श्याम श्याम बाबा को बहुत बड़ा भक्त लागे बस सिर्फ बाबा की कृपा है 24 घंटा बाबा री भक्ति में लागे रहे यो छोरो यो मेरो बेटो मक्खन है और यो कदे कदे आपका चाचा यानी मेरे छोटा भाई के सागे आ जावे मक्खन तू एक काम कर बाहर निकल क्यों हो रहे हो भैया लाइट रो काम चला है कोई ने हाथ मत लगाने देना अरे अरे करंट तो अबे अबे लाइट बंद है मैं जाके चालू करूंगा फिर करंट आओ कोई में हाँ कोई ने हाथ मत लगाने देना आपा पहले श्याम बाबा का जागरण मिलेगा हाँ 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 मैं पहचान गया थाने वो देखेड़ा तो है थाने दिल्ली शहर में मेरे घर जो घूमियो घाघरो जो घूमियो दिल्ली शहर में मेरे घर जो घूमियो अरे घूमियो 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 अरे गुरु चाय को क्या हुयो अरे चाय ने मार गोली है एक बात क्यों अटीना अरे पप्पी ले हो के सीधो खड़ो को नहीं थार से सुन समझ गो ना समझ गो गुरु समझ गो अरे मक्खन बेटे तू के करियो है तन्ने गुब्बारो चाहिए चाहिए देख मित्र गारे गुब्बारे चल चल हाँ मने चाहिए आजा 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 आ आ आजा 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 बेटा तू ये के करे चाल बेटे ने चाल गुब्बारो पीला गुब्बारो चल गुब्बारो तू देखा बेटा देखा बेटा मैं आऊँ हाँ मैं आऊँ चाल गुरु अरे छोरा के करंट लाग गयो छोरा के करंट लाग गयो मरगी कृपा है भाई अरे छोरा के करंट लाग गयो लाग गयो अरे शामली ओके करियो मक्खन कटोरा मक्खन मेरा बेटा मक्खन वो कायो को देने मक्खन अरे क्यों हो गया मक्खन के क्यों हो गया मक्खन के मक्खन अरे शाम के हो गयो मक्खन के मेरे तो यो एक ही बेटो मक्खन मैं तने कितनी बार के हो क्यों लेके आयो तू दुकान पर अब मैं कई जवाब दूंगा जाके घराने मेरा शाम बड़ी तू मेरी जान ले ले लेकिन मक्खन की जान बचा दे शाम बड़ी मैं भाभी ने कई जवाब दूला के मुंडो दिखाऊला शाम बड़ी तारो परचो दिखा बाबा तारो परचो दिखा श्याम शरण संजीवनी बूटी थे दे जो जीवन दान प्राण दान दो बालकन प्रभु जी तेरा खो मखन 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 भाई मखन ठीक हो गो भाई मखन ठीक हो गो अरे श्याम भाई मखन ठीक हो गो भाई मखन ठीक हो गो भाई मखन ठीक हो गो भाई मेरे मखन ठीक हो गो मखन भाई जी मखन ठीक हो गो भाई मखन ठीक हो गो श्याम धणी दाता हमारा श्याम धणी दाता जय जय श्याम धणी दाता हमारा श्याम धणी दाता बाबा आज तो तेरा पर्चो दिखा दियो बाबा
आज तेरी सगड़ाई मान को बाबा मेरा श्याम धड़ेगी मेरा श्याम धड़ेगी मकर चल मेरा बेटा चल भाई जी मैं डॉक्टर जी गया डॉक्टर भाई जी बाबू परचो दिया बाबू परचो दिया मकर बाबू परचो दिया तू मान या मत मान मैं तो इन्हें श्याम बाबा की कृपा ही समझू जो टेम पे डॉक्टर आ गया और आप लोग मक्खन बच गए या कोई श्याम बाबे या कोई की कृपा को नहीं ये तो मेरा भाग तेज है जो मेरे बच्चों बच को मैं तो मेरे भाग नहीं बड़ो समझू हाँ जय श्री श्याम भाई जी आ भाई श्याम आ थारी भाभी को दिमाग तो हमेशा उल्टो ही सोचे और उल्टो ही आको दिमाग चाले के बताओ भाई जी हाँ तो विश्वास की बात है आप आपको विश्वास है कोई विश्वास करे कोई नहीं करे रखो थारे विश्वास ने थारे कन्ने श्याम दास आज ये हवेली में एक तो बालक रो जन्म हुयो है और एक बालक की जान बची है ई खुशी में आज श्याम बाबा को जोरदार जागरण होना चाहिए छप्पन भोग को प्रसाद लगना चाहिए श्याम बाबा की जोत जगनी चाहिए और श्याम बाबा को बहुत जोरदार श्रृंगार होना चाहिए सब भक्त मंडलियां ने निमंत्रण दे दो सब भक्ता ने बता दो कि आज अपनी हवेली के अंदर बहुत जोरदार जागरण होवेगो मैं भी नाचूंगो तू भी नाचोगो जा जाके इंतजाम कर जय श्री श्याम जय श्री श्याम ए थे क्यों भी कर लो मैं थारी जागरण फागरण में शामिल नहीं होंगी और ना ई हवेली में जागरण फागरण होन दियो के समझिया ये हवेली के थारे बाप की है मैं जब से बोल को नहीं लिया हूं तो तू सर पे चली जा रही है सुन कान खोल के सुन अगर तू मारे और श्याम बाबा के बीच में आई तो बस ना सुर है और ना गीत है ना ले है और ना ताल थाने कहियां पुकारो सवरिया रह रह आव खयाल मन सरगम को नहीं कोई ज्ञान ना साज बजानो आवे पण रोम रोम हर दम मेरो बस शाम शाम ही गावे हो बस शाम शाम ही गावे रुत आई जी फागणिये की शाम पधारो मारे आगणिये रुत आई जी फागणिये की शाम पधारो मारे आगणिये हो देखो रंग गुलाल अबीर उड़े देखो रंग गुलाल अबीर उड़े खुशिया की शाम फुहारा पड़े खुशिया की शाम Oh,
थर जामो भेला गो मने सोवणा भेला गो मने जैसा केवला बिसी करसिया मेरे से घणी रे पीछे भी ना करया कर नहीं तो तेरा पुरपल्ला घर के बाड़ फेंकती दिखूंगी। हां मारे बगैर रेओ भी कोनी जावे और मारे बगैर सरयो भी कोनी जावे। बोलू नहीं ना मेरे के सारा दिन चढ़ती रहेगी और पिदावेगी मन ने या कहीं मारो पुरपल्लो फेंकेगी। मैं तो खुद ही अठेने से पिंडो छुड़ावा चाहूं ना जाने मारो सावरियो कचूण सी। अरे राम मेरी धीरे बोल कठे भाभी जी सुन लेगा तो थारे सागे सागे मारे भी सत्यौड़ी कर देगा। मम्मी मम्मी राजू पड़ गया। राजू भाभी रुको अरे बेटा भाभी रुको अरे भाभी से भाड़ो राजू भाभी रुको आ रही हूं बेटा ले आ रही हूं राजू राजू ममता की लाज बचावण ने मारो श्याम धणी दौड़ो आयो लीले को असवार नाथ मारो भेड़ पर श्याम धणी दातार की जय 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 श्याम धणी दातार मारा श्याम धणी दातार जय जय श्याम उम्र में की है हरकत तो आगे जाके के करोगे बता तू राजू को धक्का क्यों दियो अगर कोई अनर्थ हो जाता तो रहने दे अब ताबरा में तो यह होते ही रहे हैं यूं ना समझी बात निकल जाने। हाँ तू सर पे मना चला एक दिन यो ही घर पे भारी पड़ेगो। हाँ हाँ था सबने तो यो भारी लगे ले जा मेरे छात पे और दे तो धक्को छात से जिको थारे सैको पिन छूटे। चुप कर मूर्ख चुप कर समझानो तो दूर की बात तू ही को पक्ष लेके इन्हें बिगाड़ रही है। मैं के करूँ या मैं चौकी तरह जानू हूँ पर थे मेरे बच्चे ने नहीं मारियो मेरे कार्जे पर हथौड़ो चलायो है ये बात ने मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब शामदास आपके बाल बच्चे के सागे आपके रहने को ठिकानों कटे और जाकर कर ले नहीं तो आए दिन नया तूफान खड़े होवेगो मेरी अब बात से काट बांध ले। अब राजू की तबीयत क्या है घबराएडो तो कोनी ना इन्हें तो श्याम बाबू ही बचाए हुए पर फिर भी बुखार तो है डॉक्टर के दिखा ले आई हूँ। बुखार तो है ही के यहाँ भी हो कई दिना से सुस्त सो रहे हुए यहाँ कर कल सुबह जाकर डॉक्टर के दवाई बदला लीजिए टाबरा का मामला में लापरवाही ठीक को नहीं
काल मार ली देवरानी के टिंगर के खातिर हरो भाई मेरे छोरे पर हाथ उठा दियो, मेरे फूल से छोरे को गाल थप्पड़ मार मार कर लाल कर दियो। अब मैं भी यही धार कर बैठी हूँ कि इप या तो ही घर में शाम दासी को परिवार रवे को या मैं ये क्या कहो बुझाई, जाओगे तो अड़ से बह जाओगा। जी को था राज में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं और रवे है मालका की तरह। घर की तो मालकिन तू है, खड़े थारी देरानी दिखे को नहीं कही है मरवा डॉक्टर के आपके लाला ने दिखाने न जाने कद आको घर से पिंडो छुट सी। अरे बुझाई घर से के तू कहो तो गाँव से पिंडो छुटवा दू। नारे तोलिया ए तो मेरी छाती पर मूंग डरसी, तू कहो तो जेल में चक्की पिसवा दू। बात है भाइया देखो तो सही दरवाजे पर कैन की खुटखुट हो रही है। रात ने भी चैन से नहीं सोने दे रहे, इतनी रात में न सोवे न सुमन दे तूने भाई। सारो सामान लूट लो। अरे आज तो शामदास माने माला माल कर लियो है, आज तो शामदास ने ज्यादा कमीशन देना पड़ेगा। अरे कौन है तू, तने कौन भेजियो है बता, बता कौन भेजियो तने बता। मार देने को ओ मने के मारे को, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। मेरा शामदास पे इल्जाम लगाओ भगवान के इल्जाम लगाने के बराबर है। बोल तने कौन भेजियो है बता बता बता। अरे हरी महिमा भाई। अरे रे चोर तो भाग गया रे, मेरा सोक क्यों ले गया रे। ए जी उठो उठो भाई जी, काई हो थाने काई हो भाई जी थाने। निके को निके इनाने कुन पाकर पूछ रहे के होयो भाई जी, मारो सारा धन लुटवा के पूछ रहे के होयो भाई जी। भाई जी आई हो श्याम की बात पे ध्यान मत दे श्याम, चोर आया सारो माल लूट के ले गया। जाता जाता या बोल रहा कि श्याम दास आज मोने माला माल कर दियो, बाकी आप बात ही बाने झूठी साबित करगी। शामदास आ कोई की साजिश है, कोई की साजिश है वो तो सब मालूम पड़ ही जावेगो। ए जी क्यों जूती बाकी गिटो हो, आख्या देखी परसराम कदे ना झूठी होए। आज फैसला होकर ही रहेगो, या तो घर में शामदास को परिवार रहेगो या मैं। शामदास तू क्यों मार घर बर्बाद करने पर तुल्या है, आज डाकुओं से मारो घर लुटवा दियो, कल मां सबने लुटवा देसी। या मना बोलो भाभी जी, ये छुपे को मतलब यो कोनी कितने जो मुंह में आवेगा सो बोलूंगा। लागे मेंढकी के भी जुख खाम होगी, तू तो चुप ही रहे गरीब घरा से आईडी। शामदास जी की बात पर मत ध्यान दे, आ तो सरू सुई ऐसी है, निष्ठुर और निकम्मी है, के बताऊं शामदास के बताऊं। भाई के मेरा बाप की जगह हो, भाभी के मेरी माँ की जगह हो, इतना झूठो इल्जाम मना लगाओ भाभी, मैं चले जाशु माठे से चले जाशु भाई जी। शामदास तू अटे सु कटे भी को नहीं जाओगो जानदार, कटे भी को नहीं जाओगो। आंधा की भूखी राम उठाओ है भाई जी, भाई जी थे माने नहीं रोकोला भाई जी, थाने मेरी सोगंध भाई जी, थाने मेरी सोगंध। जय श्री श्याम जय श्री श्याम। शामदास तू मने सोगंध क्यों कड़ा दी शामदास, मैं तेरे बिना नहीं रह सकू शामदास, मैं तेरे बिना नहीं जी सकू शामदास। शामदास यो तू कह रही हो शामदास, यो तू कह रही हो है शामदास। ते भी आराम से रह सको, मैं भी आराम से रह सकूं, यही विधाता को लेख है, यही बाबा की इच्छा है भाई जी। नहीं शामदास मैं तेरी आंखें सु कदे जाता या नहीं देख सकूं शामदास, नहीं देख सकूं। राधा चल टाबरा ले लिया, राजू के बहुत जोर की बुखार है जी, ऐसी हालत में नाना टाबर ने लेकर अब कटे जाऊंगा। ये कटे भी जाओ कुएं खाड़ में, मैंने उससे कोई मतलब को नहीं। हाँ और सुन ले शामदास, तन ने तेरे शाम बाबा की सोगन है, आगे से तू घर की चौखट पर भी कदम नहीं रखेगो। कुटिले को बुद्धि मन की काली,
भाभी जान बिछाई रे के में बेशर्मी दिखा क्यों कोनी दिखा खुद शर्म भी से शर्माई रे भाभी मैं कोई सोनो चांदी मानक मोती खोलने जा रही हूँ भाभी माँ बाप तो बचपन में मर गया भाभी अब वो एक मेरो दादार है यो ही रखवाड़ो है इन्हें तो कम से कम ले जावा दे भाभी इन्हें तो कम से कम ले जावा दे भाभी और मैं क्यों ही कोनी ले जा रही हूँ भाभी सिर्फ मेरा सावरिया ने ले जा रही हूँ भाभी चल दादा चल चल दादा भाई ने भाई से चिटकाया या है चोट करारी जी ममता का बंधन टूटा मेरे शाम वापस आ गो अरे इंस्पेक्टर साहब आप ही टेम्पर चलो मैंने चलो लेके आ रहा ने अरे चल रे पुड़िया मैंने पकड़े हाँ अई थारे घर में चोरी करी सगली बात आई थाने बतासी बोल बे बाबूजी मैंने तोलाराम झोलाराम ने भेजा है बाबूजी मैंने माफ कर दो बाबूजी और मैं तो गरीब लोग हाँ बाबूजी थोड़ा सा रुपया की खातिर लालच में आ गया बाबूजी तारे गोदाम में आग भी तोलाराम झोलाराम ने ही लगाई है बाबूजी और अरे टावर के करंट भी बहुत दो नहीं लगाया बाबूजी मैंने माफ कर दो बाबूजी घर बुलाओ औरत कर दियो ना घर को सत्यानाश सारो काम क्यों तोलाराम झोलाराम ने और लागे इल्जाम मारे भाई श्याम दास के ऊपर मेरो श्याम बिल्कुल निर्दोष है बता कटे ढूंढू बाने में बता कटे ढूंढू बाने में बता मेरा भाई पे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है बहुत बड़ा अन्याय हुआ है ऊपर से यह दाजी को इल्जाम वो घर छोड़ के चलो गयो मने भगवान कदे ही माफ को नहीं करेगो मने भगवान कदे ही माफ को नहीं करेगो पर जो भी हो ठीक को नहीं हो घोड़े भाड़े मिनक ने थे घर से बेघर कर दियो पैर पर बींगे सागे तो बाबो है पण भक्ता के दुख में बाबो दुखी हो है अब पापिया ने तो आंगी सजा मिलगी और बाने यही सजा देसी चल बे चल 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 पण सजा तो सब नहीं मिलसी अरे जोड़ा बोल गुरु तोलाराम खेनी दुखे तने अरे मार गोली खेनी ने आज तो आप माला माल बन जाऊंगा श्री रामदास की सारी मिलकत आपनी हो जाओगी आप तो माला माल बन जाओगा अरे कैल आ गया अपना पट्टा आ गया अपना पट्टा आ गया आजा आजा काम हो गया आपको आ तो काम तो हो गया और आधो काम अभी बाकी है काई मतलब अठने आओ आजा माल लेकर के आया हो ना यो काम बाकी हो जिको अरे सुन की पूरा काम को पूरा ने कीजो मैं भटक रहा ठोकर खाता घोर अंधेरो छायो है कोई भी मार्ग ना सूझे मनड़ो मारो घबरायो है मनड़ो मारो घबरायो
अब कोई नहीं मेरो जग में, एक तेरो ही नाथ सहारो है, मेरा अपना मन ठुकरा दिया, बस तू ही शाम प्रभु मारो है। अरे श्यामदास जी, जय श्री श्याम। अरे मित्तल साहब, आप वो बंबई का जागरण में मिले? बराबर है, बराबर है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। इतनी रात गए आप बीवी बच्चों के साथ, कहाँ भटक रहे हो श्यामदास जी? मित्तल साहब, मेरा टावर की तबीयत ठीक होनी, बुखार हो रही है। कई दिन से एक बुखार है, डॉक्टर ने भी दिखाया पर कोई फायदा को नहीं होयो, अब एकदम हताशा हो रहा। भाभी ये तो बात सही है, लेकिन इसके अलावा भी श्यामदास जी बात कुछ और है, आपके भाई भाइयों में कोई झंझट तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मेरा भाई भाभी में कोई झंझट को नहीं, मेरा भाई भाभी तो देवता है देवता। मैं तो मैंने बहुत प्यार करे मैंने, मैं काम चोर हूँ, मैं कोई काम कौन करूँ, मैं खराब हूँ, कोई काम को कोनी, ही वास्ते मैं घर छोड़ रहा हूँ। श्यामदास जी मैं समझ गया, भाइयों भाइयों में तो ये कलयुग है, झंझट चलती रहती है। ऐसा करते हैं, श्याम बाबा के दरबार में चलते हैं। जो बाबा खाटू श्याम जी, हर शरण में आवा खाटू धाम जी, तेलो मर सुन जो बाबा खाटू श्याम जी, हर शरण में आवा खाटू धाम जी। मैं छोड़ कछे तन जावा, मैं तो ताले ही जावा, मैं छोड़ कछे तन जावा, मैं तो देवता श्याम जी, हेलो मर सुन जो बाबा खाटू श्याम जी, हर शरण में आवा खाटू धाम जी। Oh,
तुझे थन जावा मैं तो था ले ही जावा मैं छोड़ कठे थन जावा मैं तो था ले ही जावा हरे कुल का देवता श्याम जी हे लो भर सुन जो बाबा काटो श्याम जी हरि शरण में आवा काटो राम जी बिन लागे है श्याम प्रभु प्यारा जी बिन लागे श्याम प्रभु प्यारा जी जय हो मेरा श्याम धनी जय हो मेरा श्याम धनी दातार तेरी जय हो हे मेरा श्यामरिया हे राजू की माँ मने लागे छोरा लागे थी क्या तू गायत्री ने तैयार कर और वो राजू कटे आप दोनों एक दूसरा ने जान गया टावरा ने भी बुलाओ भाभी जी गायत्री ने ले रहा हो ये मेरी बेटी गायत्री बेटा रख दे रख दे हम लोग ले लेंगे बैठ 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 नमस्ते आजा बेटा बैठ जा मैं आपकी लड़की पसंद है वो तो मारो सौभाग्य है सब बाबा को आशीर्वाद है हाय एवरीबॉडी हाय डैड आ गया बेटा तू आ गया ते तो मैंने घर पर ही छोड़कर आ गया इतनी भी के जल्दी ही जल्दी तो थी ना बेटा श्यामदास जी को टाइम जो दे रखे थे ओह डोंट माइंड बट बाय द वे क्या लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया अरे सब श्याम बाबा की कृपा है भाभी जी आपकी क्या राय है हां मन ने भी पसंद है फिर देर किस बात की अच्छा तो दीपचंद जी श्यामदास जी अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के ब्याह की तैयारी करो चला सब श्यामदास जी आप कल ऑफिस में मिलके सारी बात कर ले मैं जरूर आऊंगा मित्र साहब जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम क्यों जी जी जीजो जी पसंद है ना कांग्रेचुलेशंस माय डियर सिस्टर यू आर गेटिंग मैरिड आज का ये दिन आज की ये खुशी तने बहुत बहुत मुबारक हो
ए मिस्टर, यू आर कमिंग। मुझे मार्केट जाना है, आज तो हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे। कावेरी, अब आ ही तो मेरी दीदी की सगाई फिक्स हुई है, मन घर पर बहुत जरूरी काम है। ओह नो, ये तो भी के काम है। अब कौन से पढ़ाई पूरी करनी है, तेरी भी पढ़ाई पूरी होगी, मेरी भी पढ़ाई पूरी होगी। 4 में से डिग्री हो जाए, अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। क्यों अंकल जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? ठीक कह रही है बेटा। तू एक काम कर, इन्हें सब जगह घुमा लिया और आप लोग वो गट्टो भी दिखा लिया, और बाप पुरानी हवेली है ना, बा भी दिखा लिया, और सागे सागे श्याम बाबा को मंदिर भी दिखा लिया। जा बेटा। ठीक है, चल। ले सुन बेटा, ले मुंह मीठो कर। ले बेटा, श्याम बाबू को प्रसाद है, जो खा लूंगी। चल राजू, चल चल। नो कावेरी, नो 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 नो। राजू, मैं तो थक गई। अब आ रही है कावेरी, आई लव यू सो मच कावेरी। क्या क्या क्या, आई लव यू टू। ओए ए, रुक रुक। श्यामदास जी, गायत्री की शादी का मुहूर्त कभी का नक्की किया है? बाबू, एक महीना का बाद को निकले हैं मुहूर्त, और बसंत पंचमी को सबसे बढ़िया मुहूर्त निकले हैं। बहुत अच्छी बात है श्यामदास जी, सब बाबा की कृपा है। समय बहुत कम है, एक बात ध्यान में रखो, गायत्री की शादी शान से और धूमधाम से होनी चाहिए। कृपा करके गायत्री की शादी में ये मेरी तरफ से रुपया रख लीजिए। नहीं सेठ जी, नहीं, यो ही एहसान कम कोनी सेठ जी, कि थे मेरी प्यारी बेटी गायत्री को रिश्तों बहुत बड़ा खानदान में करवा दियो, और बाबा की कृपा से मैं इतना तो सक्षम हूँ कि मैं मेरी गायत्री को कन्या दान कर सकूँ सेठ जी। इसके लिए मैं माफी चाहूँ सेठ जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं चालू बाबू। ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं, बाबा इनका भला करे। अब आखिर माँ को सहारो ने डिजाइन तो बताई दी, अब एक बात और बता, तन महला जीजोजी तो पसंद है ना? देखना माँ, क्या की बात है? ए राजू, क्यों छेड़ रही हो तू इन्हें? मैं तो मजाक करूँ माँ। अरे राजूड़ा, क्यों छेड़ रहे इन्हें? छेड़ू को नहीं के पापा जी, आखिर थोड़ा दिन हम जा बाड़ी। हाँ, तो ठीक है, जा तो मैं भी छेड़ती हूँ। जासी भाई। और बता भाई राजूड़ा, सब तेरा जोर चाल दिया ना? यार एकदम बढ़िया चाल दिया पापा जी। ये बताओ, वो पत्रिका को मैटर बना लिया कि? हाँ हाँ, मैटर तो बना लिया ना भाई, मैटर तो पहले ही लिया हूँ मैं। मेरी बेटी को ब्याह है, ओ देख कसोक लागे तने। ओ तो बहुत देख गायत्री, देख राधा, बहुत बढ़िया मैटर है। देख मम्मी, बहुत ही चोखो मैटर बनाया है राधा। मैं सोन ने फोन कर दिया, सोन की ले आ रही है वो। ये तो बहुत ही चोखो काम करियो, सोन और सोन के आने से अपने बहुत सारो लग जासी, और बिया भी सोन और सोन की देखा कई साल होगा, और बाको बेटो भी बड़ो होगो। एक काम कर, सब बाबा की कृपा है, सब काम बढ़िया हो रहा है। देख राजूड़ा, तू इन्हें शॉपिंग कराइए, और बढ़िया से बढ़िया आजकल की छोरिया के टूटा मन हुआ है, नया नया डिजाइन का कपड़ा दुआ दीजिए इन्हें, फैशन की चीजें भी दुआ दीजिए गायत्री ने। हाँ। वाह, आज तो स्वाद चट करा, और जाके पटका लिए लिए, आज तो लिया ही। अजी रहने दो जी, सर पर थोड़े सागी, पर थारो ये चटोकरो पड़ो गयो कोनी। ये पकौड़ा बरबर के प्लेट को आओगी तो ये तोड़ दो, तो ये टुरक 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 करोगो। जाने दो, रहने दो जी। बापूजी। हाँ बेटा। बापूजी पोस्टमैन यो कार्तिक को गए। अरे वो तो श्यामदास जी कार्ड लगे है। ओहो, श्यामदास जी की बेटी भी मंडगो है। जाना तो अपना नहीं चालो ही है। परम पूज्य भाई जी श्री रामदास जी सपरिवार आमंत्रित। इमा अचरज की क्या बात है, भाई जी मेरा बड़ा भाई है, मेरा बाप की जगह है, और मैं बाने क्या भूल सकूं? पर बे तो यह बात भूले बैठे है, बाप का बेटा मक्खनलाल को ब्याव करो, जब थाने बुलायो के पत्रिका भेजी के। होगी अगला की कोई मजबूरी तो फचे पापा, था की भी तो कोई मजबूरी उसके है। बेटा राजू, मेरी ऐसी कोई मजबूरी को नहीं, मैं खुद कंकू पत्रिका लेकर जाऊंगा और बाने सह परिवार आमंत्रित करूंगा।
अरे श्याम, अरे श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, श्याम कद आयो तू? अरे श्याम कद आयो तू? श्याम भाई जी, मेरो श्याम तो भाई जी। अरे श्याम कितो कमजोर हो गयो श्याम, तू के हाल बना रखे हो तू? श्याम तू सब ठीक ठाक है? थे भी तो कितना माड़ा होगा भाई जी। अरे मारी तो उम्र को तकाजो है, और तू भी मैंने अकेले छोड़ के चले गयो बिना सोचे समझे। तने मारी याद भी को नहीं आई के? कमाल कर दो। मैं तने बहुत याद कर दो, बहुत याद कर दो। घर में सब ठीक है? सब ठीक है भाई जी। क्या ने बोलना भाई? पीड़ी भी मजा में, राजू राजू भी मजा में, और गायत्री क्या ने? गायत्री बेटी मारी खुश है। हाँ देखो गायत्री को ब्याह मार दियो, इनका ब्याह मारो भाई जी। अरे आपकी गायत्री इतनी छोटी इतनी बड़ी होगी गायत्री? हाँ इनका ब्याह है। मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा श्याम, मैं गायत्री के ब्याह में जरूर आऊंगा श्याम, और सारो काम संभालूंगा। चल आप आज घराने चाल के सागे सागे जी मांगा। नहीं भाई जी आज नहीं, आज नहीं भाई जी। जिद मत कर, देख श्याम जिद मत कर। मैं चलूं भाई जी, देख ली श्याम। श्याम अरे श्याम भाभी जी, मरवा मेरी ओके रूप बना रखे हुए। अरे आज तुम्हारी बिटिया को ब्याह है, मैं तो जो चाहूँ आऊँ वही घर। सोन जी बैठे है, खुद ही ढूंढ लो भाभी जी। सोन जी मेहंदी मेहंदी मंडाओ, मैं आबारी आऊँ। किया जी जी मेहंदी मंदी मंडवाली के और चाची जीजो जी को नाम लिखियो कल लिखियो। हाँ भाई छोरियो थे भी कबल साका ना जरा चौकी दरिया से मार दियो। आता मैं पगा मैं सगली जगह मार दीजिए। मैं तो मेरी सीधी ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, वहाँ से वेडिंग ड्रेस पहनूंगी, फिर कोर्ट मैरिज करूंगी, और फिर 1-2-3 करके हनीमून को रवाना। टिंग टिंग टिंग। अरे बारे याकाई बोल दी की चटक पटक तो नहीं आवे। लेकिन नहीं समझ में आया तो ठीक है चाची जी, नहीं तो यार आपको दिमाग भी चाट जाएगी। और चाट से याद आया, चल राजू चाट खाने चला। कावेरी तन दिक्कत होने के मैं ब्याह को जरूरी काम कर रही हूँ। हाँ चाचा जी ब्याह की पूरी तैयारी होगी के? हाँ बेटा ब्याह की पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है बेटा, ब्याह की पूरी तैयारी है। और राजू ऐसे भी के काम है, ज्यादा ही काम है तो 4-5 आदमी और रखवाले, फटाफट काम हो जाएगा। नहीं कावेरी मन काम है। अब आते तने मेरे साथ चलना पड़ेगा, नो आर्ग्यूमेंट्स नो कमेंट्स। जा भाया जा, जब इके मन में आएगी तो हम मानेगी थोड़ी, जा। ओह थैंक यू आंटी। ठीक है चल चल। मन नहीं लगे तू तो थारे पापा से बात करेगा नहीं, मुझे मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी। जना तो अपना काम और भी आसान हो जाए। I love you darling। रहने दे ज्यादा मस्का मत मार। मैं मस्को को नहीं मार रही हूँ, या तो मेरे दिल की पुकार है, और मन ये बात को पूरा पूरा विश्वास है कि अपना माता पिता आपने शादी कर बताए जरूर राजी हो जैसी। मैं नहीं मान रही हूँ छोरी के। अजी अजी देखो सोन और सोन के देखो, बेटी का ब्याह को चाहो तो आने ज्यादा लग रहा है। आप लोग से ज्यादा खुशी तो आना हो रही है। अच्छा सुन बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने ध्यान है। क्या ध्यान है? मैंने ध्यान है कि भाई सब आने आने की खातिर राजी हो गया है, वो तुम्हें थोड़ा चेहरा देखता ही समझी। आज सब मेरा श्याम प्रभु की कृपा है, चटे लियो श्याम जी को नाम बटे वह पूरा काम। कान खोल कर सुन लियो, ना तो मैं ब्याह में जाऊंगी और ना ही मेरी बहू। हाँ आने जाने से क्यों रोक रही है? नहीं नहीं बहू है, बटे जासी तो सब घर वाले से मिलो जुलो हो जासी। यही तो मैं को नहीं चाहूँ, बट ऐसे किसे लगा लो तेरी रांडा सी, दो दिन में सिखा पढ़ा कर इन्हें 12 बाट कर देसी। तू आटे कड़ी के सुन रही है? हाँ जा मायने काम कर मर कुतड़ी। पर मम्मी मैं तो जरूर जाऊंगा। फिर तू क्या करोगे जाके? चाचा की लड़की की शादी है, 2-4 दिन मौज मजा करांगा। अरे मूर्ख, लड़की के ब्याह में कामकाज करना चाहिए या मौज मस्ती करना चाहिए? Thank you.
प्यारी बिटिया बाबूले देवे आशीष प्यारी बिटिया सुख सारा थाने मिले सासरिये में बिटिया सासरिये में ये रुमान बढ़ा जे जीवन साथी रो साथ निभाजे ननकड़ी चिड़ गोली मारी काल जिए को चाली रे सासरिये चाली बापू जी री लाडली चाली रे सासरिये चाली आंगणी एरी सुगन मारी मायड़ी लाडली आंगणी एरी सुगन मारी मायड़ी लाडली ननकड़ी छिड़ गोली मारी काळजीए को चाली रे सासरिये चाली चल काम कर जाते को जत पूजा 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 पधारो सेठा पधारो पिट्टी को ब्याह करवा कर तो जी सोरोगो सी अब तो निकल गई ना मन की भड़ास अब रेंट दे तेरा ये लटका झटका ने तू क्या जाने मेरा मन की बात वाकई मम्मी तू क्या जाने पापा की दिल की बात बड़ा ही दरिया दिल है मेरे पापा कम से कम 2 लाख रुपए की उधार दिए क्यों सेठा 2 लाख को होना के 2 लाख को हर अय्या रुपया लुटा था फिरोगा तो घर में के बच्चे को क्यों मारी भी सोची है के थारी सोच सोच के ही तो मैं सुनो हो रही हूँ कितनी घटिया दर्जे री है थारी सोच जब श्याम दास मेरे घने रहे हो लाखो रुपया कमा कमा के मने दियो आपके कने कुछ नहीं राखियो और जब घर छोड़ के गयो हो 1 रुपया भी लेके कोनी गयो मैं यह बात जिंदगी भर को नहीं भूल सकूं मैं गायत्री को बड़ो बाप हूँ मैं भी ने जो भी दियो आपकी बेटी ने दियो आशीर्वाद के रूप में दियो बस सदा खुश रहे श्याम बाबा बाने हमेशा खुश रखी मम्मी तू चिंता ना कर मैं भी गायत्री के बीन राजा ने पहचान गया हूँ मैं भी हीरा का हार ने वसूल कर करूंगा वाह भाई वाह के खुशबूदार चाय बनाई है निहाल हो गया रमेश की माँ बिनड़ी बहुत ही सुपात्र आई है बिनड़ी के आई है बेटी आई है मैंने तो कोई काम नहीं करवा दे मम्मी जी मैं कर लू यही कहे काई नहीं करवा दे अरे तो तू इससे काम कम ही करवाया कर अजी अभी टावर ही तो है मैं तो चाहूँ कि इसको काम कम करवाऊँ इसका लाड चाव करूँ इन्हें खिलाऊँ पिलाऊँ आजा बेटा तू भी अट्ठे ही चाय पी ले नहीं मम्मी जी अरे अबार बाहर जानो है इन्हें की शर्ट के प्रेस कर दी शर्ट के तो प्रेस करनी है तू यहाँ करिए मम्मी के साथ जिम लीजिए मैंने आने में थोड़ी देरी हो जाएगी बेटा रमेश थोड़ा जल्दी घर आ जाया कर हाँ ठीक है हाँ भाई मैं तेरे पाछे फोन करूँ तेने जो योग्य लागे वो कर ले हाँ बोल बेटा बोल के कहना चाह रही है कलकत्ता से बुआ जी का फोन होगा क्या खिचड़ी पक रही थी भाई बहन में बुआ जी तेरे ब्याह की बहुत चिंता कर रही है अच्छा हाँ? फिर देर किस बात की है आई एम रेडी फॉर मैरिज अरे बेटा यू आर ऑलवेज रेडी फॉर मैरिज लड़का भी रेडी है लेकिन लड़के के बाप से तो बात करनी पड़ेगी जय श्री श्याम हाँ हाँ पधारो पधारो श्याम जय श्री श्याम आप राइट टाइम पे आ गया आपको इंतजार हो रही हो तो आदेश करो डैड मैं जरा शॉपिंग करके आती हूँ इन लड़कियों की शॉपिंग भी शॉपिंग नहीं करसी लक्ष्मी नारायण जी तो बुढ़ापा में आपा कर सके हाँ बराबर है अच्छा श्याम दास जी मैं कह रही हूँ तो मेरी बेटी कावेरी के ब्याह की तारीख पक्की करने के वास्ते मैं 3-4 दिन के लिए कलकत्ता जा रही हूँ जी बताइयो
ये सब काम मत तेरी मत करो लक्ष्मी नारायण जी। श्यामदास जी, मेरे जाने के बाद में कारोबार का आप बरोबर ध्यान रखना। थे निश्चिंत होकर जाओ जी, बाबू बली कर सी। एक प्यारी सी बात बताओ। प्यारी सी बात? जल्दी बता। आज मेरे डैडी ने मेरी शादी की बात फाइनल सी कर दी है। हाँ, थारी शादी की बात पक्की कर दी? पणकी के सागे कावेरी की के सागे के तेरे सागे और के मैंने कहलवाया के लड़के के पिता से मिलके तारीख नक्की करनी है। अच्छा, आगे क्या हुआ? आगे के बी बकती थारला पापा वहाँ आ गया। उन्होंने देखता ही डेट खुश होकर बोलिया कि आवो श्यामदास जी आवो, मैं अबार थाने याद करियो हो, एकदम सही टाइम पर आया हो। अच्छा। ए मिस्टर, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तेरे साथ, एक के लिए मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस अब तो खुश। I love you कावेरी, मैं तेरे बहुत प्यार करूंगी, और अगर मैं शादी भी कर सू तो सिर्फ तेरे, तेरे वास्ते मैं की भी कर सकूं, कोई ना भी छोड़ सकूं कावेरी। चल जीजा, शो कर। जाए में तो परेशान होने की बात है, ये तो जू है, हार जीत तो होती रहे, आज मैं जीत्यो कल तू जीत जागो। नहीं यार मक्खन, इस साल मैं बहुत रुपया हार चुके हूँ, मेरा पर बहुत कर्ज चढ़ रही है, जुओ तो मैं घर से छुप कर खेलने आऊँ। एक बात बोलूँ जीजा, बुरो ना माने तो? बोल मक्खन। तेरा वारा न्यारा हो जाएगा और तेरा सारा कर्जो भी चुक जाओगे। बोल मक्खन, के करनो है? करनो के जीजा, माल तेरो है, काम में ले ले। कौन सो माल मक्खन? ये है तेरे ब्याह में मेरे पापा गायत्री ने हीरो को नेकलेस दियो, बड़ो शुभ है हीरो को नेकलेस, तकदीर जाग जाओगी, निहाल हो जाओगे, लगा दे दाव पर। पिताजी कलकत्ते का जा रहा है? काली जा रही है, वो के है लड़के का बापसू, कावेरी का ब्याह की तिथि पक्की करने जा रही है, और बार आने में 7-8 दिन लग जासी। यह तो बहुत ही बढ़िया हुयो, कावेरी को भी ब्याह हो जासी और बाबी आपके सासरे चली जासी। यहाँ नहीं हुसके बापूजी, यहाँ हरगिज नहीं हुसके। अरे के कोनी हो सके बेटा राजू, हैं तू केनो के चाहो बेटा राजू? मैं यहाँ के नहीं चाहूँ बापूजी, कि कावेरी की शादी मेरे सिवा कोई और को नहीं हुसके, क्योंकि मैं कावेरी बहुत प्यार करूँ हूँ और कावेरी शादी भी करना चाहूँ हूँ। अरे तेरे दिमाग तो खराब होनी को है, तू होश में तो है बेटा? थानसो कितना उठा है बापूजी कि मैं नशो को नहीं करूं, लेकिन हाँ जिक की बात थाने बहुत पहली बता देनी चाहिए, बा बात मैं थाना आज बता रही हूँ कि मैं कावेरी बहुत प्यार करूं और कावेरी के बिना जी को नहीं सकूं, कावेरी के बिना जी कौन सकूं बापूजी? यो कौन हो सके बेटा, यो कौन हो सके? लेकिन तू यह बात बोलकर तेरे बाप की आस्था और विश्वास ने ठेस पहुंचाई है। अरे मैं लक्ष्मी नारायण मित्तल को नमक खायो है, ईमानदारी की रोटियां खाई है बेटा, और तेरे दिल में क्या है वो तो मैंने मालूम को नहीं, लेकिन अगर सेठ के दिल में यह बात आ गई कि आपा भी की दौलत हथियाने के लिए षड्यंत्र रच रहा और भी की बेटी ने झूठा प्रेम का जाल में फंसा रिया, तो बेटा तेरो बाप जी तो जी मर जाओगे बेटा, जी तो जी मर जाओगे। बापू जी, अब मेरी जिंदगी है मेरी और मन मेरी जिंदगी जीने को पूरा पूरा हक है। हरी जिंदगी पर मारो कोई हक कोनी? ना बापूजी, आज के बाद थाको मेरी जिंदगी पर कोई हक या अधिकार कोनी कि थे मेरी जिंदगी पर दखलंदाजी करो। राजू तालाया, आज तुम्हारे से हक और अधिकार की बात कर रहे हो? अरे तेरे लिए मैं के कोनी कर रहे हो, कहीं तेरे पार पोस कर बड़ो कोनी है मारो जी जाने, कहीं तेने छाती लगाया मैं तो उभारा पगे शाह बाबू के दरबार में तेरे प्राणा की भीख मांगी है, कई दिन के खातर के यो ही सब देखने सुनने के लिए। ठीक है माँ, ठीक है, तू आज थप्पड़ मार तेरो ही रातों तो दिखा दियो, लेकिन मेरो फैसलो भी अटल है, मेरो फैसलो भी अटल है। तो,
मुझे पर छोड़ दे, अभी तो क्यों देख रहे हो है? सेठ जी मैं थाने कुछ कहना चाहूँ सेठ जी, मैं अब आर टाइम को नहीं, अभी मैं कलकत्ता जा रही हूँ फ्लाइट सू, बाकी बात मैं आपने फोन से करूँगा। डैडी हा? डैडी थाने कोलकाता जाने की जरूरत नहीं है। तू कहो के चाहे बेटा? डैडी जी काम के लिए थे बटे जा रहे हो, अब भी काम के लिए थाने बटे जाने की कोई जरूरत नहीं है। साफ साफ बोल बेटा, तू कहो के चाहे है? डैडी थे मेरी शादी पक्की करने के लिए कोलकाता जा रहे हो ना, लेकिन मैंने तो अपनी जीवन साथी के रूप में राजू को चुन लिया है और मैं शादी करने को निर्णय भी ले चुकिया हूँ। बेटी मैं थारी सगाई कलकत्ता का एक बहुत बड़ा व्यापारी के एनआरआई लड़के के साथ नक्की कर चुकी हूँ। आई एम सॉरी डैड, लेकिन लेकिन मैं भी निर्णय ले चुकी हूँ। मैंने थारो यो निर्णय मंजूर कोनी, पर मैं भी भगवान की सौगंध खा रहे एक दूसरे ने वचन दियो हाँ। फैसलो माखो भी अटल है, अब अगर जिसा भी तो साथ में और मरचा भी तो साथ। राजू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जबान खोलने की? और श्याम भक्त श्यामदास जी, आपको इस राजू और कावेरी के नाटक के बीच का पता नहीं था? आपने मुझे कभी बताया नहीं, और बताते भी क्यों? क्योंकि इस प्रेम नाटक के महान पात्र तो आप ही थे। नहीं सेठ जी नहीं, मैंने तो ये बात को पता ही को नहीं हो, मैंने तो रात राजू कियो चना पत्तो चालियो सेठा चना ही पत्तो चालियो। झूठ झूठ सफेद झूठ, बकवास कर रहे हो तुम। अब मुझे सब समझ में आ गया कि आप और आपकी पत्नी और आपका ये नालायक बेटा तीनों ने मिलकर साजिश रची है कि एक धनवान बाप की बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर उसकी दौलत किस तरह हथियाया जाए। ओह नो डैडी, ये आप बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई भोली भाली आने चुकी थी लड़की नहीं हूँ, मैं भी अमेरिका से पढ़ के आई हूँ, मुझे भी मेरे भलो बुरा सोचने की क्षमता है। मैं राजू से प्रेम करूँ हूँ और इनके आगे ब्याह करूंगी, बस दिस इज माई फाइनल डिसीजन। बेटा मैंने तुझे तेरी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, तेरी हर इच्छा पूरी की, और आज भी मैं तेरी इच्छा में रुकावट नहीं बनूंगा, लेकिन कुछ कड़े निर्णय मुझे भी लेने पड़ेंगे। श्यामदास जी आज से मैं आपको निर्दोष नहीं मानता हूँ, इतने वर्षों की सेवा का फल मुझे ये मिलेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं आज से इसी वक्त आपको मेरी नौकरी से बर्खास्त करता हूँ। गेट आउट फ्रॉम हियर। सेठ जी मेरा बेटा की करनी को फल मन असो मिलेगो या तो मैं कदे सोची को नहीं। बेटा राजूड़ा मैं तने बहुत चाहूँ रे बेटा, बहुत चाहूँ। पापो तने हमेशा सद्बुद्धि दे, हमेशा खुश रहिए, लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, आज के बाद तू तेरा माँ बाप ने भूल जाइए बेटा, भूल जाइए। और हाँ सेठ जी, श्याम बाबो थारो भी इष्ट देवता है और श्याम बाबो मेरो भी इष्ट देवता है। ओ क्यों यो किया यो, यो तो वो मेरो श्याम धनी जाने, लेकिन वो भी तो क्यों ना क्यों फैसलो करोगे सेठ जी, वो भी तो क्यों ना क्यों फैसलो करोगे। जय श्री श्याम। डैडी ए चोको को नहीं करियो, मैं जो करियो इको तो इन्होंने बात तक नहीं हूँ, थारो तो पहलो निर्णय गलत निकलियो। निर्णय मेरा था और उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, और मेरा दूसरा निर्णय सुन, आज से इस घर में कोई बैंड बाजा नहीं बजेगा, कोई शहनाई की आवाज नहीं आएगी, इस घर से कोई डोली नहीं उठेगी, और हाँ मेरे द्वारा तेरा कन्यादान भी नहीं होगा। मैं मेरी सारी संपत्ति ट्रस्ट को दान में दे दूंगा। ठीक है डैडी, हरो हर निर्णय मने मंजूर है। अरे आज मेरी सारी इज्जत मान मर्यादा सब धूल में मिल गई राधा, सब धूल में मिल गई राधा। अरे मेरो बेटो मेरी सागा ऐसो करेगो या तो मैं कदे सपना में भी कोनी सोची। अरे जटे मैं ईमानदारी का साचा मोती कमाया हा, बठे बठे मेरा मुंडा पर कालिक पोती राधा। हे मेरा दा भैया, यो क्यों हो गयो राधा? राजू और कावेरी बड़ी बेशर्मी सू मित्तल साहब के सामने आपको ब्याह को ऐलान करे हो, और जी बात को मने डर हो, बाई बात होगी है राधा, बाई बात होगी है। बेटा के सामने एक बाप ने बिकॉज सेठ भी ने नौकरी से निकाल दियो, और बेटो खड़े खड़े देखते रही हो, और वो क्यों ही नहीं कर सके राधा, क्यों ही नहीं कर सके।
धिक्कार है यार का बेटा ना। दादा, 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 अरे कोई है, अरे कोई है ना? दादा, 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 दादा मेरे पे डॉक्टर के लिए चलो दादा, मेरे डॉक्टर के लिए चलो। नहीं जी, अब मैं कोई भी डॉक्टर की जरूरत को नहीं। नहीं जाए, मैं तो ना डॉक्टर का इलाज कराऊंगा राजा। अब तो मेरी आखिरी इच्छा यही है, मैं बाबा से पहले खाटू श्याम बाबा का दर्शन करना चाहूँ, ते मने ले चलोगा ना? मैं तेरे लेकर जाऊंगा राजा, मैं तेरे लेकर जाऊंगा राजा। श्यामदास जी, सपने में भी कौनी सोचो कि थारो बेटो थारे सागे ऐसी करेगो। जो भी हुयो बहुत ही न्याऊ हुयो, थे चिंता ना करो, खाटू वाला श्याम प्रभु पर छोड़ दियो, वो सब ठीक करसी। बीसावरिया की लीला परंपार है, कदे रुलावे है कदे हसावे है, थे तो श्यामदास जी बाबा पर छोड़ दियो, वो सब भलो करसी। श्यामदास जी वो हरे का सहारा है, वो सब ठीक करेगा। आशा जरा श्यामदास जी को अंदर भेजना। श्यामदास जी, प्रणाम। आइए श्यामदास जी, बैठिए। नहीं डॉक्टर साहब, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब। श्यामदास जी, मैंने भाभी जी की पूरी जांच कर ली है, सारी रिपोर्ट्स भी देख ली है, इन्हें बीमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्हें बहुत गहरा आघात लगा है, इनके दिल पर और दिमाग पर उसका असर हुआ है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है और इनके देखभाल की बहुत जरूरत है। हाँ, अगर इनकी इच्छा खाटू धाम जाकर बाबा श्याम के दर्शन करने की है तो चूकिए मत, तुरंत इन्हें खाटू धाम ले जाइए, बाबा के दर्शन करने दीजिए और बाबा सब ठीक करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक। नहीं श्यामदास जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, भाभी जी को ठीक होने दीजिए, वही मेरी फीस है। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छे हो जाएंगे, चिंता मत करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। माँ बाप अपनी औलाद को जिंदगी भर सीने से लगाए रखते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं लिखाते हैं, रात रात जग कर उनकी देखभाल करते हैं। औलाद है कि चंद दिनों की मोहब्बत के लिए उन्हें तड़पता हुआ छोड़कर उनके सीने में दर्द देकर चले जाते हैं। हे प्रभु, इस भोले भक्त की रक्षा करना। सारी बातां हार गयो लाचार बन्यो मैं टूट गयो डगमग डोले नाव मेरी पतवार हाथ से छूट गयो या दुनिया घट घट की जद जानो हो तो क्यों अनजान बन्या वे
चाहो थे दीन बंधु मैं दीन दुखी क्यों दीना नाथ बढ़िया बैठा हो। अरे थे थारे प्यार में इतना अंधा होगा कि अपने माँ बाप नहीं भूल गया, थे थारे माँ बाप ने दुखी करके कदर ही सुखी नहीं रह सको। अरे माँ बाप के चरणा में ही तो सारा तीरथ है, अभी भी कुछ को नहीं बिगड़े है, जाओ और बस यू माफी मांगो। कावेरी मन सपना में बाबा को दर्शाओ हुए है। मैंने भी सपनों ही आयो है, मेरो तो रोम रोम खड़िया हो गया। ही को मतलब समझी गया तू? हाँ हाँ सब कुछ समझ गया। तू एक घोड़े भगत ने दुखी करियो, वो तो निर्दोष है, बिशु माफी मांग। बाबा मने माफ कर, मेरी भूल को भान करा दियो बाबा, मने मने माफ कर दे बाबा। मासी बहुत बड़ी गलती हुई, माफ कर दियो बेटा। यही बात सच्ची है बेटा। डैडी 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 मने माफ कर दियो। मारा मम्मी पापा मैं जाने कते चला गया, मैं तो माफी मांगने आया। आजा बेटा आजा। मने पतो है थारा मम्मी पापा खाटू धाम गया होगा, आपा वठे ही चला। के होयो बिन्नी तू क्यों रो रही है? क्या बात हुई? अरे तू तो रो रही है। मारा पेस वाइडो ताऊ जी को हार भी बेचुआ मा हार आया के रमेश जुओ खेले है? मैं तो जुए कहीं रोज दारू पीकर घरे आवे है और घर आकर मने मारे भी। अरे जिका घर में श्याम धनी दाता आर की जोत ले जावे, भी घर में शराब पीवे, भी घर को बेटो दारू पीवे, जुओ खेले आपकी पत्नी ने मारा। हे भगवान ऐसो कुकर मिकट है सुपैदा होगो आज दे आदमी रमेश ने, मैं भी ने दूध तो नहीं छोड़ूंगो। जय जय श्याम धनी दाता तुम्हारा श्याम धनी दाता। तू मेरे माँ बाप ने भड़कावे। अरे अरे दुष्ट दुष्ट खेल, मैं तेरे बताऊँ तू दारू पी दारू पी नहीं करो मेरी बहू ने मारा बोल मुझे दारू पी लगाओ जो मेरी बहू ने मारा मैं माफ कर दे बोल दारू नहीं बोल दारू नहीं बोल योहार योहार तेरे कने कठे सु आयो। बेफिक्रो पापा मैं कोई चोरी करके कौन लायो, यो हीरा को हार जुआ बड़ी इज्जत से जीत के लायो, यो भी थारे जुआई राजा से यानी गायत्री के पति रमेश है। गायत्री का पति रमेश तू जुए में तो थे लोग के जुआ भी खेलने लग गयो। क्यों जुए के खराब काम है? धर्मराज युधिष्ठिर भी तो आपके भाया सागर जुआ खेला करता। जनाई तो महाभारत हुए हो पर तेरे में आकु बुद्धि कठे सु आ गई। इनमें बुराई के है जे छोरा दो चार घड़ी आपको मन बहला कर आ जावे तो के न्याव करे। जनाई तो मैं सोचूं कि सारो के सारो धंधो पिंदा में क्यों बैठो जावे। वाह रे वाह सपूत, खूब आपका बाप को नाम रोशन करियो है और ई बात में की माँ आपका बेटा ने बढ़ावो दी जा रही है। थे तो हमेशा आई आई बकता रहे वो। जब गायत्री बेटी ने पतो चाले को कि बी का भाई ने बी के साथ के करियो तो भी ने बहुत दुख होवेगो और जब श्याम दास ने मालूम पड़ेगो तो भी की आत्मा ने कितनी पीड़ा होवेगी। तो यो कोई जावे से खोस कर थोड़ी लाया है, जुए में जीत कर ले आया है। हाँ। चुप कर घर फुड़ावनी औरत चुप कर, अब तेरी कोई भी चाल मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं खुद जाकर अपनी बेटी ने यो हार दूंगो, ला दे आठीना यार। मैं कहूँ कोनी दे तो कोनी दे, मैं कहूँ दे आठीना यार कोनी दे तो कोनी दे। ला अरे तेरे से तो अच्छा है कि मैं हार का टुकड़ा टुकड़ा कर दूँ। ला हार दे मने छोड़ दे। जय जय श्याम धनी दाता तुम्हारा श्याम धनी दाता। श्याम धनी दाता।
मम्मी थर के हो? अरे बारा नार देख मम्मी के हो? भोग, तू तेरा कर्म का फल भोग। तू तेरा सीधा साधा देवर ने बहुत सतायो है, तेरी देवरानी ने बहुत दुख दियो है, तेरी जस्सी पापड़ ने इसु भी ज्यादा सजा मिलनी चाहे। मैं पहले ही कहता हूँ, देख बाबा रे घरे देर है अंधेर नहीं, और तू एक नहीं मानी। अब भोग चौकी तरह भोग तू तेरा कर्मा ने। बापू जी मैं माफ कर दूँ, बापू जी थाने बहुत तकलीफ दी, बापू जी मैं माफ कर दूँ, आइंदा थाने कर तकलीफ होंगी बापू जी। अरे माफी मांगनी है तो जाके शामदास से माफी मांगो, जिन्हें थे लोग बहुत दुख दिया हो। राधा, 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 तेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है, तू कई दिनों से अन्न जल सबको त्याग कर रहा क्यों है? अति कठिन तपस्या क्यों कर रही है राधा, क्यों कर रही है राधा? क्यों तो ले ले राधा, क्यों तो ले ले। अब तो मैं मेरे स्वयं प्रभु को शरण ले रखी हूँ, अब तो वही पार पड़ सी। राधा, 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 हाँ कौन, हाँ कौन, राधा कौन? कठे खोट है भरी भक्ति में, आके बता जाओ सांवरिया, सुध बुध सारी बिसर गई, मैं दर दर भटका सांवरिया, थे किसी में भी यही करती हूँ। बोल, बोल। मैं थारी मुंडे से शेष के दानी के पावन कथा सुननी चाहूँगी। आपके माता की आज्ञा पाकर मैं वीर बरबरिक महाभारत का युद्ध देखने गयो, इसे माता के पुत की पावन कथा सुनाओ। एक मैं भी आपके माता का आज्ञाकारी बेटा, और एक ये आज के कलयुग का बेटा। राधा, मैं तेरी इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम करके मैं तने महाभारत काल की बासीस का दानी की कथा सुनाऊं, बासीस का दानी की कथा सुनाऊं राधा, बासीस का दानी की कथा सुनाऊं।
बात है या कुरुक्षेत्र की बात है या श्री कृष्ण के गीता ज्ञान की धर्म नीति की बात है या कौरव पांडव दोनों तरफ की सेना सजी खड़ी थी महाभारत के महायुद्ध की आई विकट घड़ी थी से देखो पीले पर अस्वार एक महावीर ने आता देखो तीन बाण तरकस में शोभित और तेजस्वी मुखमंडल इनकी अनुपम छवि के आगे फीको है भूमंडल लाली मस्तक पर है तेज समायो शूरवीर रणधीर मने यो लागे सबसे सबायो महाभयंकर समर भूमि में किण को भेजो आयो या सोच कृष्ण आगे बढ़ा और विप्र को रूप बनायो जन्म लियो और किण जननी को जायो बरबरीक बोलो विप्र जी पांडव कुल में जन्म लियो अहिलवती जननी है मेरी बरबरी पार नहीं पासी
की बात बताओ। तू क्यों मन ने भरमावे एक बाण से ईपी पड़ेगा पत्ता बींद बता दे मैं भी जानू तेरी शक्ति बाण चला के दिखा दे एक पत्तो छुपायो पग नीचे की मैं पवन या महिमा गाऊं महाभारत की बात बताऊं महाभारत की बात बताऊं चलो तीर बिछड़ी की गति से कित रह गया कृष्ण मुरारी बड़ में सारा पत्ता बिंध का देख तरेगा श्याम बिहारी खुद को पाव हटा के देख तो वो पत्तो भी बींध गयो श्री कृष्ण मन चिंता छाई हृदय बांको डोल गयो मुस्कुरा के बोलिया सब वीरा में है तुम्हारा लेकिन दान महान बढ़ावे जद जाने को सकल जहां बोलो वीर बताओ विप्र जी के जाए है थाने जननी मैं ही सृष्टि समाई जननी है भाग्य विधाता मेरी माता मन शिक्षा दी है दान है सबसे बड़ो धर्म सत्य देव या सत्य बात है दान है सबसे बड़ो करम अहिलवती के लाल की मैं तो पवन या महिमा गाऊं महाभारत की बात बताऊं महाभारत की बात बताऊं सम्मान में युद्ध भूमि बलि देने खातिर शीश चाहिए दान में शीश दान में देवों को पण एक बात
पतड़ाओ जी। विप्रदेव थे गुण हो थारो सत्य रूप दिखलाओ जी। दिव्य रूप श्री कृष्ण की मैं तो पावन या महिमा गाऊं। महाभारत की बात बताऊं, महाभारत की बात बताऊं। महाभारत को युद्ध देखनो चाहूं मैं कृपालिना। तथा तू कह के कृष्ण जी आगे हाथ बढ़ायो। वीर बर बर के शीश के श्री चरणा में धर दियो, श्री चरणा में धर दियो। अजर अमर शीश की मैं तो पावन या महिमा गाऊं। महाभारत की बात बताऊं, महाभारत की बात बताऊं। पर आया गिर पर धरता शीश कृष्ण का नैना भर भर आया। अजर अमर तेरा शीश रवे को बोलिया यूं त्रिपुरारी। कुरुक्षेत्र को युद्ध देखे है बर बरीक बलधारी। महिमा गाऊं, महाभारत की बात बताऊं, महाभारत की बात बताऊं। सूरज चांद रहेगो और रहेगी धरती, तब तक शीश का दानी तेरी अमर रवे जग में कीर्ति। फिर यूं बोला कृष्ण मुरारी, गोवर्धन गिरधारी, पावन या महिमा गाऊं। महाभारत की बात बताऊं, महाभारत की बात बताऊं। करेगा तन प्रणाम। द्वापर बीतो गढ़ जुग आयो, सत्य हुयो प्रभु को वरदान। शीश रूप खाटू में प्रगटा गढ़ जुग का साचा भगवान। खाटू धाम महान की मैं तो पावन या महिमा गाऊं। महाभारत की बात बताऊं, महाभारत।
की बात बताओ। भाई जी बोलिए, आप कौन सी जगह है? यो खाटू धाम है। खाटू धाम है? हाँ खाटू धाम है। आप आड़े की आया या पूजा पाड़े? आपने लहनी तो मंदिर में दरबार लगाए बैठे हुए, अब मन में ना कोई प्रश्न है ना ही कोई उत्तर। अब अगर चारों तरफ कोई है तो बस श्याम 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 है। जय श्री श्याम। चल पापा का दर्शन कर लिया, चल चल जल्दी कर, चल जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत दूर आ रहा हो भक्ता, हो तो तेजस्वी, थारी तपस्या पूरी हुई, लियो जल पियो। हुणो ते मैं तो भक्ता को भगत हूँ, भगत जट्ठे भी नाचे गावे धूम मचावे, मैं तो बठे ही पहुंच जाऊं। भगत दुखी हुए तो भांगे कन्ने पहुंचो, भांगो सहारो बन जाऊं। जय हो भक्ता की। बाबू थाने बनाए रख, बाबू थाने बनाए रख। चलो चलो ले आओ, चलो बाबू को दरबार सजेड़ो है, दर्शन कर लियो, जाओ। जय श्री श्याम। जय हो दादा। ओ क्यों मना आपनो सो लागा। जय जय श्याम धनी दाता, तुम्हारा श्याम धनी दाता। देख राधा, बाबा का दर्शन करने बाद में सारी चिंता फिक्र सब दूर हो जासी, बाबू सब भली करसी है। देख जी, जय श्री श्याम। मेरा श्याम जी का लियो नाम पटे हुए पूरा था। राजू बापू जी पास पहुंच बड़ी करती होगी का देना सेंस का है कि तेरी शिक्षा में सब कुछ भूल गया, मैं यहाँ भी भूल गया कि आज जकी हालत माँ की है, वही हालत का माँ की उड़ी। ना बेटा ना, ना बेटा राजू, ना बेटा राजू, ना बेटा। तेरी मासूम भाई शामदास, तेरे साथ आप बहुत अन्याय करिए, तेरे घर से काट दियो। अब आपकी गलतियों की माफी मांगने आई है, इन्हें माफ कर दे शामदास, इन्हें माफ कर दे शामदास। देख इनकी क्या हालत होगी है, तू बाबा की बर्दाश्त करके इन्हें माफ कर दे। हे श्यामधनी दाता, थे मेरी भाभी की गलती ने माफ करो श्यामधनी। थे थारो पर्चो दिखाओ बाबा, थे थारो पर्चो दिखाओ बाबा, कृपा करो कृपा करो। हे श्यामधनी दाता कृपा करो कृपा करो। मेरा श्यामधनी तू जिया मेरा परिवार पर कृपा करी है, मेरा पर कृपा करी है, बिया तू सब पर कृपा कर जी। हे मेरा श्यामधनी तेरी जय हो। जय जय श्यामधनी दाता, तुम्हारा श्यामधनी दाता। जय जय श्याम।